नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इटर्नल इशू के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नर के बारे में। हाल ही में खबर आई है छत्तीसगढ़ से कि जो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार है और वहां की जो गवर्नर है अनुसुईया उइके, तो सरकार और गवर्नर के बीच में बहुत सारी तनाबनी चल रही है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या एग्जैक्टली ये डेवलपमेंट है। कुछ महीनों से यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और जो छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके, उन दोनों के बीच क्या तनाबनी चल रही है। और अंत में हम लोग डिस्कशन में देखेंगे क्या है गवर्नर की पावर्स यहाँ पे और गवर्नर को किस तरह से उनकी डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट अस बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले, मैं हूं आपका फ्रेंड राहुल साई गांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का आईडी सेम है। उसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। मोर इन्फॉर्मेशन, डाउनलोड द ऐप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है अनुसुईया उइके और जो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, उनके बीच में काफी महीनों से तनाबनी चल रही है। हाल ही में भूपेश बघेल की सरकार ने गवर्नर से ये अनुरोध किया था कि एक स्पेशल सेशन को कन्वीन किया जाए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का छत्तीसगढ़ का, लेकिन छत्तीसगढ़ के गवर्नर ने उसको नकार दिया। जैसे ही उन्होंने नकारा तो एक बहुत ही शार्प रिएक्शन आया है चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल से। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हो चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो चुके हैं। तो चलिए, क्या इश्यूज हो चुके हैं इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं अनुसुईया उइके के बारे में। अगर मैं अनुसुईया उइके जो गवर्नर है उनके बारे में बात करूं, तो वो एक बीजेपी की राज्यसभा की सांसद रह चुके हैं 2012 तक। दैट मीन्स शी वॉज अ कोर मेंबर ऑफ बीजेपी। इनफैक्ट बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है उइके की और बीजेपी की। पहली बार उनको फील्ड किया था 1993 में, उसके बाद 1998 इलेक्शन में भी उनको मध्य प्रदेश से बीजेपी का टिकट मिला था। उसके अलावा वो बीजेपी में स्टेट सेक्रेटरी रह चुकी हैं मध्य प्रदेश की, वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं बीजेपी युवा मोर्चा की और एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुके हैं बीजेपी आदिवासी मोर्चा की। उनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर करके जुलाई 2019 में। तो मतलब इट वॉज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। ये सब तो हम जानते ही हैं, क्योंकि गवर्नर का जब भी इशू आता है गवर्नर की अपॉइंटमेंट और रिमूवल की बातें तो हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट तो क्लियरली ये है कि पॉलिटिकल है। इसको बहुत सी कमिटीज ने कहा है, कमीशन ने कहा है, जैसे सरकारीय कमीशन हो गया, पंची कमीशन हो गया, वेंकटाचलय कमीशन हो गया, इन सब कमीशन ने ये कहा है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं करने चाहिए। जो गवर्नर होते हैं उनको जो स्टेट पॉलिटिक्स होती है उससे दूर होना चाहिए। लेकिन यू कैन सी दैट अनुसुईया उइके हैज बीन कनेक्टेड प्रीवियसली टू मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के ही भाग है, मतलब छत्तीसगढ़ वॉज बाइफर्केटेड फ्रॉम दैट इटसेल्फ। तो चलिए देखते हैं वाद विवाद क्या चल रहा है। सबसे पहला डिसएग्रीमेंट तो आया था वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट के ऊपर। गवर्नर अनुसुईया ने बलदेव शर्मा को अपॉइंट किया है वाइस चांसलर करके, ठाकरे यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो बहुत जरूरी है यहाँ पे कि देख सकते हैं बलदेव शर्मा जो आरएसएस के एक स्टॉन्च मैन है, बहुत ही कोर मेंबर है आरएसएस के, उनको वाइस चांसलर बनाया गया है खुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। इसके ऊपर सरकार ने सवाल उठा दिया। इसके अलावा गवर्नर ने इससे पहले भी अपॉइंट किया था वंश गोपाल सिंह को, अगेन एक प्रो बीजेपी पर्सोनल है, उनको वाइस चांसलर बनाया गया था बिलासपुर की जो यूनिवर्सिटी है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनको बनाया गया था। तो जैसे ही ये दो अपॉइंटमेंट हुई, दीज अपॉइंटमेंट्स आर प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नर। तो जो भूपेश बघेल की सरकार है उन्होंने कोशिश की कि जो अपॉइंटमेंट होती है वाइस चांसलर्स की उस कि जो पावर्स होते हैं गवर्नर को उसको रिड्यूस कराने की कोशिश की। उसके लिए एक बिल पास किया अपनी असेंबली में, लेकिन वो बिल भी अभी फिलहाल अनुसुईया उइके के पास उनके ऑफिस में वो पेंडिंग है, उन्होंने अभी तक उसको अप्रूवल नहीं दिया हुआ है। अ पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट। इसके अलावा एक और डिसएग्रीमेंट हुआ था गवर्नर और सरकार के बीच फिफ्थ शेड्यूल एरिया को लेकर।
सरकार ने एक फिफ्थ शेड्यूल एरिया को रीडिजिग्नेट किया था। मारवाही डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने क्या किया था, एक ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बना दिया था, और ये हुआ था गवर्नर की इजाज़त के बगैर। तो यहाँ पे गवर्नर ने क्लियरली बताया था कि आपने ये क्यों किया, क्योंकि ये फिफ्थ शेड्यूल एरिया आते हैं, प्रेसिडेंट के अंडर आते हैं, प्रेसिडेंट ने उसको गवर्नर को पावर दिया हुआ है। तो उन्होंने पूछा एक मीटिंग बुलाकर कि गवर्नमेंट अवेयर है क्या प्रॉपर प्रोसीजर के बारे में, आप जब भी फिफ्थ शेड्यूल एरिया में कुछ छेड़खानी करते हैं, मतलब ट्राइबल एरिया में कुछ छेड़खानी करते हैं, तो गवर्नर को आपको नोटिफाई करना जरूरी है। इसके अलावा क्राइम रेट के ऊपर भी गवर्नर अनुसुईया उइके ने एक टिप्पणी की है भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ। उन्होंने बहुत बार अपोजिशन पार्टीज की बातें सुनी है, वहाँ अपोजिशन पार्टी वहाँ पे बीजेपी है, जनता कांग्रेस पार्टी है छत्तीसगढ़ की, उनकी बातें सुनी है, और उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी स्टेट मशीनरी की, और उस पर सवाल उठाया कि क्राइम रेट इतना ज़्यादा क्यों है। लेकिन इस मीटिंग में गवर्नमेंट की मिनिस्टर्स को बुलाया था, गवर्नमेंट की मशीनरी को बुलाया था, बहुत से लोगों ने अटेंड नहीं किया था कोविड का बहाना देकर, अगेन अ पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट। और इसके अलावा फाइनली एक डिसएग्रीमेंट हुई गवर्नर अनुसुईया उइके और भूपेश बघेल सरकार के बीच आईएएस ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट के ऊपर। अनुसुईया उइके ने एक लेटर लिखा राजभवन से, उन्होंने भूपेश बघेल सरकार से सवाल पूछा कि आप आईएएस ऑफिसर्स जो राजभवन में हैं उनको आप ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें राजभवन में फुल टाइम पैनल ऑफ आईएएस ऑफिशियल्स चाहिए। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, और उनको जो भी डिसीजन ले सरकार उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, और उनके फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए डिसीजंस लेने चाहिए बघेल सरकार को। तो इन सब चीज़ों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि गवर्नर की पावर फंक्शन और उनका रोल क्या है, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नर के ऊपर बहुत से प्रश्न उठते हैं। अपॉइंटमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, रिमूवल की तो पहले ऐसे होता था कि जब भी केंद्र सरकार बदलेगी तो गवर्नर्स भी बदल जाएंगे उनके खुद के नुमाइंदों को अपॉइंट कराने के लिए, लेकिन हाल ही में हम लोग देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होने के बाद ये थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अगर मैं पावर्स की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर आर्टिकल, आर्टिकल 163 क्लॉज 2। इस 163 क्लॉज 2 में यह कहा गया है कि गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से डिसीजन ले सकता है जब भी कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर उस डिस्क्रिशन के बारे में ही कोई सवाल हो तो डिसीजन ऑफ गवर्नर देमसेल्फ इज फाइनल, वो खुद ही एक जज है कि ये मेरा डिस्क्रिशन है। इस चीज के ऊपर बहुत ही वाद विवाद होता आ रहा है। तो हम लोग अगर गवर्नर की पावर्स को डिफाइन करें, एक बहुत ही अच्छा केस है 1979 का हरगोबिंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक केस, जहां पे बहुत ही क्रिस्पली सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि गवर्नर का ऑफिस क्या है। उन्होंने कहा है गवर्नर का ऑफिस एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गवर्नर का ऑफिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, मतलब इट इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो इसीलिए बहुत से गवर्नर्स ने बताया है कि हमारे पास डिस्क्रिशन है एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन अगर हम लोग देखें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डिफाइन किया हुआ है कि गवर्नर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन उनको क्या कहता है, उनको ये कहता है कि वो इलेक्टेड ऑफिशियल नहीं है, और उनको जो इलेक्टेड ऑफिशियल है मतलब जो राज्य सरकार के लोग हैं उनकी एडवाइस को सुनना चाहिए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही फेमस केस में नबम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर केस, इसको फेमसली अरुणाचल प्रदेश केस भी कहते हैं, 2016 में ये डिसीजन दिया था। उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है। गवर्नर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है यानी कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको डायरेक्टली नकार नहीं सकते हैं। इनफैक्ट जो 163 आर्टिकल है उसका लिमिटेड यूज होना चाहिए, जहां पे भी कंफ्यूजन हो एम्बिग्विटी हो वहां पे गवर्नर के न्यूज डिस्क्रिशन विम्सिकली उसको यूज नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन दोनों के बीच हार्मनी चाहिए, बिकॉज ये दोनों साथ में चलनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि गवर्नर्स प्रोएक्टिव होते हैं और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी वर्किंग में बहुत बार वो लोग ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे दोनों को भी थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, क्योंकि
बाघेल सरकार भी काफ़ी क्रिटिसिज्म कर रही है, गवर्नर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म कर रही है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी साथ में चलनी है, तो गवर्नर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को साथ में चलना पड़ेगा। जितना हो सके उतना गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के भीतर रहकर ही काम करना होगा, तभी चलकर हम लोग ये कह सकते हैं कि पीसफुल पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। दैट इज इट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। आई एम राहुल साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।